संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित कीजिए। सबसे पहले हम रफ डायग्राम बनाते हैं। हमें एक लाइन लेनी है 9.3 की, ये हमने लाइन ले ली 9.3 की। इसको हमने 1 सेंटीमीटर तक और बढ़ाना है, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर आ गया। नाम रख देते हैं ए, बी और सी, और ए और सी के बीच में हमें लंब समद्विभाजक करना है रेखा का, यानी कि ए और सी के बीच का हमें पॉइंट चाहिए। तो हमने मान लिया है यहाँ पर, ये हम खींचेंगे प्रकार से, इसको मान ले लिया हमने ओ, इस ए और सी को हमने मिला देना है तो हमारा बन जाएगा अर्धवृत्त, और बी पे हमने खींच देना है लंब जो कि अर्धवृत्त पे टकराएगा, इसका नाम लेते हैं डी। दोस्तों बी और डी हमारा हो जाएगा आंसर, वर्गमूल 9.3। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले पहले खींचते हैं एक लाइन, जो कि हमें चाहिए 9.3, 1, 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 3, 1 जोड़ देंगे तो हमें चाहिए 10.3, ये हमारा आ गया 10.3। जो हमारे पॉइंट आ गए हैं निकल के, ये हमारे पास आ गया ए और ये हमारे पास आ गया बी और ये हमारे पास आ गया सी। हमें ए और सी का रेखा का लंब समद्विभाजक खींचना है प्रकार से, तो हम ए और सी के आधे से ज़्यादा वैल्यू लेंगे और एक चाप लगा देंगे ऊपर, एक लगा देंगे नीचे। इन दोनों पॉइंटों को हम जोड़ देंगे तो हमें ओ की वैल्यू मिल जाएगी। दोस्तों ये हमारे पास आ गया ओ पॉइंट, और हम इन चापों को मिटा देंगे। ओ से हम खींचेंगे एक अर्धवृत्त, और बी पॉइंट से हम बनाएंगे एक लंब, इस्तेमाल करेंगे हम डी का। अर्धवृत्त से जहाँ वैल्यू कट रही है मेरे पास, हम मिला देंगे बी के साथ, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा डी। तो दोस्तों यही आपका हो जाएगा उत्तर, 9.3, वर्गमूल 9.3। अब हमें वर्गमूल 9.3 इस संख्या रेखा पर खींचना है, तो सबसे आसान तरीका है तो हम बी डी की वैल्यू लेके एक चाप और खींच देंगे। तो हमने इस पॉइंट को ले लिया है ई, तो हम लिख सकते हैं बी डी बराबर है मेरे पास बी ई के, और जो हमारा आंसर है वो है वर्गमूल 9.3। दोस्तों यही आपका डायग्राम है और यही आपका है उत्तर।